YouTube दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरु जी का नमस्कार। आप सबको काल निर्णय कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चलाकया चक्षुर निर्मितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय सिद्धि विनायक, जय शरभेश्वर, जय आदिपराशक्ति, जय कादरी लक्ष्मी नृसिंह, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश राशियों का राशिफल, आंग्ल संवत्सर, इंग्लिश न्यू ईयर। सो इंग्लिश न्यू ईयर 2024 कैसे रहता है, द्वादश राशियों का राशिफल बात करने जा रहे हैं। आप सब लोग जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना सभी वीडियो को अपनी तरफ से एक अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा करके बोलते वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 इंग्लिश न्यू ईयर कैसे रहता है, अभी एक कुंडली निकालेंगे। 1/1/2024 मिनट के लिए कुंडली निकाल दिया, स्क्रीन में तो आपको दिख रहा है, आप कुंडली देखो। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी 85% अच्छा है। कैसे हम बोल रहे हैं उसको, राशियाधिपति मंगल है, सेकंड प्लेस में है और नाइन्थ प्लेस चंद्र है, नाइन्थ लॉर्ड चंद्र है, वो तो मून, इट्स प्लेस्ड इन टेंथ प्लेस। फिफ्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड करके बोलते हैं बृहस्पति, वो तो सिक्स्थ प्लेस में, उसके लिए तो एक 15% निकाल दिया। एंड देन फिफ्थ में राहु बेटा है, उसके लिए तो भी 15% निकाल दिया। इलेवेंथ प्लेस में केतु है, वंडरफुल है, इलेवेंथ प्लेस में कोई ग्रह बेटा तो भी हमको अच्छा करता है, उसके लिए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो उनका महत्वाकांक्ष रहता है वो सभी ये साल वो महत्वाकांक्ष को पा सकता है। वैसे भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी शत्रु रहते हैं उन सबको संहार कर सकता है। इलेवेंथ प्लेस में केतु आ गए ना, गुप्त शत्रुओं को भी मार के बाहर फेंक सकता है। अब मार के फेंक सकता है करके बोले तो दूसरा मत सोचना वैसे ही हो जाता है, वो प्लैनेटरी पोजिशन करता है, अरे मैं सोचा था ये कुछ गड़बड़ करेगा मेरे साथ, फाइनल टाइम में हाथ दे देगा लगता है करके आप सोचे रहेंगे। बट ये प्लैनेटरी पोजिशन इलेवेंथ में केतु आता है ना, ऐसे लेके उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा होता है करके बोला, फिजिकल नहीं है, नेचुरली होगा। एंड देन सेकेंड प्लेस में सन है, सेकेंड प्लेस में मार्स है, पॉलिटिकल में बहुत सक्सेस मिलेगा। वृश्चिक राशि में जो पॉलिटिकल में रहता है ना, वो मैं रेगुलरली एक डायलॉग बोलते रहता हूँ, जवान टू दीवान करके। सो कांस्टेबल टू कमिश्नर, सरपंच से लेके मिनिस्टर तक, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जस्ट सोल्जर से लेके हवलदार से लेके आप कैप्टन जनरल तक, सबके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 85% अच्छा है। प्रॉब्लम बच्चों का प्रॉब्लम रहेगा, एंड बच्चों का एंड देन जो कुछ आपको जो मिलना चाहिए फैमिली में, थोड़ा प्यार मिलना चाहिए, वो नॉर्मली फैमिली ओरिएंटेड जो रहते हैं ना उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे मेडिकल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे सर्जरीज, ये होने का चांसेस रहता है। इससे आप बचने के लिए कुछ उपाय करने का जरूरत नहीं, 85% इज वंडरफुल परसेंटेज है। सो ये जो कुछ ख्याल रखने का मेडिकल रिलेटेड एंड बच्चों का जो कुछ ख्याल रखना चाहिए एंड परिवार का कुछ ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सोचो, फिर भी 85% इज वंडरफुल परसेंटेज। जो काम करते हैं सभी कैटेगरी पीपल के लिए ऑल सेक्टर्स में अच्छा हो जाता है। सो आप सबको सिद्धि विनायक सर्वेश्वर स्वामी आयुर आरोग्य अष्टेश्वरी अनुग्रह करे करके प्रार्थना करते हुए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सर्वे जना सुखिनो भवंतु, वसुदैव कुटुंबकम।